आई जस्ट कम योर ये एंड आई जस्ट ओपन दिस। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अबाउट पॉलीनोमियल रिंग। जितना वो स्टार्टिंग में इजी है उतना ही वो एंड में डिफिकल्ट होते जाता है, बिकॉज इसके अंदर कितनी सारी चीजें पढ़ने के लिए है, कितने सारे केसेस पढ़ने के लिए है। बट इनिशियली इट इज रियली इजी, बिकॉज व्हेन आई से पॉलीनोमियल रिंग दैट मींस आई डिफाइन माय आर ऑफ एक्स, वेयर आर इज एनी रिंग, दिस इज डिफाइंड एज ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स, यानी कि इट वुड बी ए एन एक्स रेस टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, वेयर दिस कोएफिशिएंट्स यानी कि दिस ए आईज आर द एलिमेंट ऑफ द रिंग आर फॉर आर रनिंग फ्रॉम जीरो से लेके वन से लेके एन तक, वेयर दिस एन इज एनी नेचुरल नंबर, यानी कि कोई भी डिग्री के पॉलीनोमियल इस आर ऑफ एक्स का हिस्सा होगे, एंड दिस एक्स इज कॉल्ड एज एन इनडिटरमिनेट या फिर आप वेरिएबल जिसे हम लोग कहते हैं। नाउ दिस आर ऑफ एक्स के अंदर ये जो हमारा आर है, दिस इज नथिंग बट अ रिंग। यस, हम लोग यूनिट थ्री में ही है ना, कब के यूनिट थ्री के अंदर थे हम लोग, जब हम लोग ने फील्ड के बारे में बात की ना, इट इज पार्ट ऑफ यूनिट थ्री। फील्ड जो है वो यूनिट थ्री का पार्ट है, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन का रिलेशन, प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल, दिस ऑल थिंग्स इज पार्ट ऑफ यूनिट थ्री। बट ये मैं बोलता हूँ ना कि रिंग थ्योरी जो ये दोनों यूनिट है ना इतने इंटरकनेक्टेड है ना, वी आर जंपिंग फ्रॉम यूनिट टू कभी करते हैं फिर उसके बाद यूनिट थ्री की कुछ चीजें कर लेते हैं ना, तो हम लोग वही कर रहे हैं। सो दिस इज पार्ट ऑफ यूनिट थ्री पॉलीनोमियल रिंग। यहां पर मैंने डिफाइन किया आर एक्स, वेयर एक्स इज नथिंग बट इनडिटर्मिनेंट एंड आर इज एनी रिंग। डेफिनेटली हम लोग अलजिब्रा पढ़ रहे हैं एंड मोर प्रिसाइजली वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट अलजिब्रा, सो वी वुड बी लर्निंग एन एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, अलजिब्राइक स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास सेट होगा तो उसके ऊपर ऑपरेशन होना चाहिए, विद दैट ऑपरेशन इट शुड सेटिस्फाई सम कंडीशन टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। सो माई दिस आर ऑफ एक्स विथ स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ पॉलीनोमियल दैट वी नो and standard multiplication of the polynomial is a ring. इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, because अगर सच में कहूं तो इसका हमें प्रूफ भी करना चाहिए, बट बहुत ज्यादा ट्रिवियल है, इसके लिए मैं सिर्फ इसके बारे में आपको सिर्फ हवा में बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो आर एक्स जो है अंडर एडिशन वो अबेलियन ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है, क्या ये अबेलियन ग्रुप बनेगा R x under addition, यानी कि मेरे पास जो polynomials है with the variable x, where the coefficients come from the ring R, क्या अगर मैंने दो polynomial को add किया, again it would be an element of R x, add कैसे करोगे दो polynomial को, तो जैसे हम लोग normally add करते हैं mathematics के अंदर, उस तरीके से normally add करना, so अगर दो polynomial को add किया, so again it is a polynomial of R x, that is it is binary, associativity भी satisfy करेगा, तीन polynomial है, कैसे भी ऐड करो आंसर सेम ही आता। बट इसके अंदर जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, व्हाट वुड बी माय एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ना, एडिटिव आइडेंटिटी, इट वुड बी जीरो आर, दिस जीरो आर इज एन एलिमेंट ऑफ आर एंड दिस रिंग इज अ सबसेट ऑफ आर एक्स, यस और नो, ये रिलेशन सही है क्या, द रिंग इज अ सबसेट ऑफ आर एक्स is a additive identity. After this, additive identity हो गया, inverse, अगर मेरे पास कोई भी polynomial है f of x, तो अगर मैंने उस then मेरा minus f of x would be existing inside r of x, such that दोनों को add करने पे zero मिलेगा, यानी कि वो अंडर एडिशन ग्रुप तो बन गया, उसके साथ साथ अगर मैंने दो पॉलिनोमियल को ऐड कर दिया इन एनी फॉर्मेट, विल आई गेट द सेम आंसर बोथ द टाइम, दिस ऑल टुगेदर इंप्लाइज मी दिस इज अ अबेलियन ग्रुप।
also suppose if I have this Rx, yani ki polynomials with the coefficient from R, under multiplication, अगर सपोज मेरे पास दो पॉलिनोमियल है, मल्टीप्लाई कैसे करते हो, तो जैसे हम लोग ओपन करते हैं ना ब्रैकेट, उसी तरीके से यहां पर भी ब्रैकेट्स को ओपन करना। वंस वी ओपन अ ब्रैकेट, जो पॉलिनोमियल मिलेगा क्या वो वापस से आर ऑफ एक्स का हिस्सा होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। मल्टीप्लाइंग टू पॉलिनोमियल्स फ्रॉम आर ऑफ एक्स, the polynomial finally I get would be again in R of x. Thoda soch ke batao. Because when you multiply, what will happen? Sabse pehle to degree add up ho jata hai. Uske saath saath, jo coefficient hai, wo kaise milenge? The coefficient would be some combination of the elements of R. And since R is a ring, isliye coefficient wapas se R ke andar hi jayenge. इसलिए मल्टीप्लाई करोगे, देन ऑल्सो इट वुड बी द इट कुड बी लेस देन एन एज वेल। ये चीज जो है ना साबिया जी, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, डिग्री के बारे में, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू पॉलिनोमियल्स उसकी डिग्री के ऊपर क्या फर्क आता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्हेनेवर आई मल्टीप्लाई टू पॉलिनोमियल्स द फाइनल पॉलिनोमियल विल स्टे इनसाइड आर ऑफ एक्स, ऑल्सो द एसोसिएटिव वुड बी ट्रू। यानी कि अगर मेरे पास तीन पॉलिनोमियल है और मैं उसको पहले दो को पहले मल्टीप्लाई करूं या फिर उसमें से आखिरी दो को पहले मल्टीप्लाई करूं, मेरा जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। हेंस इट इज एसोसिएटिव, देयरफॉर माय आरएक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप, ऑल्सो माय डिस्ट्रीब्यूटिविटी विल बी ट्रू। दोनों साइड से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पॉलिनोमियल्स को जैसे आप नॉर्मली करते हो, एवरीथिंग वुड बी ट्रू। व्हाई? बिकॉज़ आर इज अ रिंग, इसलिए परेशानी तो नहीं होगी, बट हम लोग यहां पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, यस लास्ट प्रॉपर्टी रह गया यूनिटी, यूनिटी वुड बी वन आर, देयर एग्जिस्ट वन आर इनसाइड आर ऑफ एक्स। एक्चुअली दिस वन आर इज अ एलिमेंट ऑफ आर एंड विच इज अ सबसेट ऑफ आर ऑफ एक्स, बट दिस वुड बी एन आइडेंटिटी, यानी कि यूनिटी under multiplication, ठीक है? So what we learn, if I have any ring, अगर मैं उसके साथ एक variable adjoint करके सारे polynomials के बारे में बात करने लगूं, तो वो जो है, वो बन जाता है ring of polynomials, where the coefficient come from the ring. इसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें जाननी है, लेकिन अभी हम लोग ने क्या देखा कि under standard addition and multiplication, it becomes a ring. There has been so many things written in the reference book. आप उसको पढ़ोगे तो बहुत easily समझ जाएगा. But ultimately conclusion ये होगा कि R of X ring होता है whenever my R is ring. हम लोग बात करेंगे बहुत ही बढ़िया theorem के ऊपर, जो ये कहता है, if my D is a integral domain, then अगर मैंने D of x ले लिया, यानी कि d के अंदर एडजॉइन कर दिया x को, then this ring of polynomial is also, अच्छा सॉरी मैंने then ऑलरेडी लिखा, then d of x is also ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूव करने वाले, बहुत ही बढ़िया सा प्रूफ है यहां पर, और प्रूफ करते वक्त बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी। सो व्हाट आई नो दैट d इज एन इंटीग्रल डोमेन, we have D is an integral domain. Integral domain yani ki this implies me my D is a commutative ring without zero divisor. And by using this we will be proving that D of X जो है वो भी commutative ring होगा, where it won't have any zero divisor. I'll wait for few minutes. Till then you can think of the proof.
हाँ जी बोले ना। अतुल 2 मिनट रुक जाओ ना, मैं नहीं सुन पाऊंगा जो बैक। हाँ अतुल जी मेरा आप मैं आपका आवाज नहीं सुन पाऊंगा भाई पूरा, 2 मिनट रुक जाओ, अभी हो जाएगा ना ये। ओके अतुल जी अब बोलिए क्या कह रहे थे आप। आर ऑफ एक्स के अंदर आ रहा। हाँ वो भी कम्यूटेटिव रिंग होगा, लेकिन अब हमें यह बताना होगा कि वो उसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता, हमें सिर्फ इतना ही बताना होगा। सिंस माई डी इज अ कम्यूटेटिव रिंग, माई डी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग, बिकॉज अभी अभी हम लोग ने बताया था ऊपर कि वो रिंग होता है तो डी ऑफ एक्स भी रिंग होता है। अभी अभी मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे ही लिख दिया कि अगर मेरा डी कम्यूटेटिव रिंग है तो डी ऑफ एक्स भी कम्यूटेटिव रिंग होगा, बिकॉज इफ इनसाइड डी इन डी माई एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई वेरिएबल के लिए है तो वो नहीं लूंगा, आई विल से ए इंटू बी इज सेम एज बी इंटू ए, देन इन माई डी एक्स, अगर मेरे पास दो पॉलिनॉमल है तो अगर मैंने उनको आगे पीछे मल्टीप्लाई कर दिया, देन इन डी ऑफ एक्स माई एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वुड बी सेम एज जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, बिकॉज अगर मैं इनके कोएफिशिएंट को इस तरीके से आगे पीछे कर दूंगा तो उनके जो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है वो भी आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ऊपर हमने ये प्रूव किया था कि अगर आर रिंग है तो आर ऑफ एक्स रिंग बनता है, लेकिन मैंने उससे ज्यादा चीज को यूज कर लिया। मैंने क्या बोला, इफ माई डी इज अ कम्यूटेटिव रिंग तो मैंने डी ऑफ एक्स को भी सीधा का सीधा कम्यूटेटिव रिंग लिखा, चलेगा क्या ये सबको? मैंने किस तरीके से लिखा, अगर मैं जो रिंग के ऊपर काम कर रहा वो कम्यूटेटिव था तो उससे बनने वाले जो पॉलिनोमियल होंगे वो भी कम्यूटेटिव होंगे। आई जस्ट वॉन्ट नाउ स्टूडेंट शुड थिंक मोर एंड मोर, अब मेरी तरफ से इनपुट कम होगा, आपकी तरफ से थिंकिंग ज्यादा चाहिए, बिकॉज बेसिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुका है। सो नाउ इट्स टाइम कि स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन पूछे जब मैं उनके ऊपर कुछ थ्रो करता हूं क्वेश्चन, क्या ऐसा होगा, चलो देखते हैं। सो सपोज साबिया जी अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इज सेम एज ए एन एक्स रेस टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट, एंड आई हैव अनदर पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स टू बी इक्वल टू, सपोज इट इज ऑफ डिग्री एम, सो इट इज सपोज बी एम एक्स रेस टू एम प्लस इट वुड बी बी एम माइनस वन प्लस एक्स रेस टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, x रेज टू m माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस बी वन एक्स प्लस बी नॉट। अगर सपोज मैंने इनको f ऑफ x इनटू g ऑफ x किया, देन द आंसर वुड बी a n b m x रेज टू n प्लस m प्लस यहाँ पे कुछ तो होगा डॉट डॉट डॉट, एट द एंड मेरे पास होगा a नॉट b नॉट। ठीक है, बीच में बहुत सारे टर्म हो गए, यस सर नो साबिया जी, इज इट फाइन? अब देखो अगर मैंने उल्टा मल्टीप्लाई किया, देन इट इज उल्टा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा बी एम ए एन एक्स रेस टू एन प्लस एम। इफ यू ऑब्जर्व बीच के टर्म को लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं वहां पे डॉट 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 लिख दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको आगे पीछे के टर्म से बता दूंगा। नाउ इफ यू ऑब्जर्व
सिंस ये कोएफिशिएंट जो है वो तो डी का हिस्सा है. इफ द कोएफिशिएंट बिलोंग्स टू डी, अगर वो कम्यूटेटिव है तो मैं इसको भी आगे पीछे लिख सकता हूं. यस नाउ एवरीबडी फाइन कि अगर मैं कोएफिशिएंट को आगे पीछे लिख दूंगा तो इट इज सेम एज माई एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. एवरीबडी जो भी क्लासरूम में है अभी प्लीज लेट मी नो. ओके ठीक है अतुल जी जाग रहे हो. अतुल समझा कि नहीं क्या लिखा गया. रंजना जी ओके सना जी भी है ओके ओके रंजना जी लेट जस्ट सी दिस. दैट मींस मुझे ये पता चला कि मैं बहुत ज्यादा हवा में जा रहा हूं आज. ठीक है कोई बात नहीं हम लोग आराम से इसका प्रूफ करते. तो आई विल राइट द प्रूफ ऑफ दैट स्टेटमेंट रियली इजीली. नाउ सपोज मैं यहां से वापस से स्टार्ट करता हूं. व्हाट आई विल डू पहले तो मुझे ये पता है कि डी इज एन इंटीग्रल डोमेन. इंप्लाइज मी डी इज अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर. ये ठीक है ना रंजना जी. ओके नाउ सिंस डी इज अ रिंग, अगर मेरे पास कोई रिंग है देन उसके अंदर एक वेरिएबल ऐड करने पे वो भी एक रिंग बन जाता है. राइट रिंग है तो डी ऑफ एक्स रिंग होता है. बट नाउ वी विल शो दैट, नाउ वी विल शो दैट माय डी ऑफ एक्स इज अ कम्यूटेटिव रिंग. So what I do, I just consider two elements inside this. Commutative का मतलब क्या होता है कि product के अंदर commutativity होता है. So I consider two elements f of x and g of x are any two polynomials inside d of x, where this f of x is a polynomial of degree n. तो f of x को मैं लिख देता हूँ a n x raised to n plus a n minus 1 x raised to n minus 1 and so on till a naught, last mein a naught hai. Aur mera g of x jo hai wo polynomial of degree m hai suppose, so wo main yahan pe is tarike se likh deta hu x raised to m plus b m minus 1 x raised to m minus 1 plus dot 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 plus b naught. Mujhe commutativity batana hai to main dono ways se multiply karunga. So if I do f of x g of x, agar main is dono polynomial ko multiply karta hu Ranjana ji, तो कैसे पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो गए तो ब्रैकेट्स ओपन होता है ना. यहां पे एफ ऑफ एक्स लिखूंगा यहां पे जी ऑफ एक्स लिखूंगा. देन अगर मैंने ब्रैकेट्स ओपन किया तो सबसे पहला टर्म होगा ए रेस टू एन बी रेस टू एम एक्स रेस टू एन प्लस एम. ये ठीक है रंजना जी. यस अब देखो यहां पे है ना बाकी के टर्म थोड़े डिफिकल्ट हो गए टू फाइंड आउट, बट वहां पे क्या होगा मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा. एट द एंड आई विल गेट ए नॉट बी नॉट मल्टीप्लाई करने के बाद. सो जो भी होगा मेरा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स वो इस तरीके से दिखने वाला है. सिमिलरली अगर सपोज मैंने जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स किया तो सबसे पहले मुझे जी ऑफ एक्स लिखना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए एफ ऑफ एक्स के साथ. सो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉलिनोमियल ऊपर वाले पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगा. सबसे पहले मुझे मिलेगा बी एम ए एन एक्स रेस टू एन प्लस एम प्लस बीच में कुछ टर्म हो गए और एट द एंड मुझे मिलेगा बी नॉट ए नॉट. ये सही है. यस नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली ये देखो ना ये बी एन ए एन ये कहां पर हो गए ये दोनों एलिमेंट. कैन आई से दिस एलिमेंट्स आर फ्रॉम डी. ये डी के अंदर है ना बिकॉज डी ऑफ एक्स यानी कि कोएफिशिएंट जो है वो डी से आता है और हमें पता है कि ये डी जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है यानी कि वहां पे आगे पीछे करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं ए एन बी एम एक्स रेस टू एन प्लस एम. उसी तरीके से बीच में जो टर्म है हर किसी के अंदर मैं ऑर्डर चेंज कर दूंगा. सो अल्टीमेटली व्हाट आई गॉट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स.
दिस इंप्लाइज मी इफ माई डी इज कम्यूटेटिव रिंग देन माई डी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग. ठीक है. ओके सो नाउ ओनली थिंग लेफ्ट इज मुझे ये बताना होगा कि ये जो डी ऑफ एक्स है ना उसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं. ठीक है. अगर जीरो डिवाइजर नहीं है कैसे प्रूव करने का, तो आप क्या करने का, टेक एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो नहीं आना चाहिए कभी भी, बिकॉज अगर जीरो आता है तो इट कैन नॉट बी अ इंटीग्रल डोमेन. राइट. सो नाउ माई क्लेम इज d of x has no zero divisor. We consider two elements inside d of x. उनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये बताएंगे कि if I consider two non-zero element inside d of x, then product करने के बाद zero कभी भी नहीं आ सकता. ठीक है. So let f of x and g of x be any two non-zero element of d of x. So again, मैं वही उसी तरीके से लिखूंगा कि f of x जो है, that is nothing but a n x raised to n, suppose it is a polynomial of degree n, and my g of x is nothing but polynomial of degree m. Since I know they are non-zero, I can say where my an is not equal to 0 and my bm is also not equal to 0. Because non-zero element hai, to maine ye assume kar liya ki unke leading coefficient 0 nahi hai. Now I'll just multiply them. F of x into g of x. Multiply karenge, to mujhe wapas se abhi upar dekha humne, isliye main directly likh sakta hu, it is x raised to n plus m plus beech mein kuch to hoga, and at the end it would be a naught b naught. Can I say this is not equal to 0? Can I say this polynomial cannot be a 0 polynomial? थोड़ा सोच के बताओ reason क्या होगा. Think about it. मैंने दो polynomial को multiply किया जिनके leading coefficient पक्का non-zero है, मुझे पता है. Because non-zero element है तो कुछ ना कुछ non-zero होगा. I consider leading coefficient to be non-zero. अगर multiply करने के बाद जो polynomial मिल रहा है, that can never be a zero polynomial. उसका reasoning आप मुझे बताओगे? Why it cannot be zero? Since yes, anyone? Since my an and this bm are non-zero element, element of d, where d kya hai? Where this d is an integral domain. Agar integral domain hai, aur aapne do non-zero element ko multiply kiya, that means I can say my an into bm is not equal to zero, yes or no? Uska matlab ye pure polynomial mein, at least ye part to non-zero hoga hi na? बाकी भले ही सब कुछ जीरो हो सकता है शायद, बट फर्स्ट टर्म वुड बी नॉन जीरो. अगर फर्स्ट टर्म नॉन जीरो तो जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा. दिस इंप्लाइज मी अगर मैंने दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता हूं डी ऑफ एक्स के अंदर, तो आई गेट अ नॉन जीरो एलिमेंट. इंप्लाइज मी माई डी ऑफ एक्स इज अन इंटीग्रल डोमेन. ठीक है. By using this, मैं ये कह सकता हूं मेरा z of x, q of x, r of x, c of x, and even I can say z7 of x, या फिर मैं कहूं zp of x are integral domain now. एक बार ये जो example मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं बताओ मुझे, बिकॉज मुझे पता है मैंने जो करस्पॉन्डिंग रिंग्स लिए वो सारे के सारे इंटीग्रल डोमेन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल रिंग होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाता है इंटीग्रल डोमेन. यस, वो थ्योरम को किस तरीके से अप्लाई किया गया समझ रहे हैं.
कि अगर डी इंटीग्रल डोमेन है तो डी ऑफ एक्स भी इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे जेड क्यू आर सी जेड सेवन या फिर मोर प्रिसाइसली आई से जेड पी, सारे के सारे इंटीग्रल डोमेन है। इसीलिए मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर जो आता है वो इंटीग्रल डोमेन होगा। इज इट ओके? ये एग्जाम्पल, ये प्रूफ एवरीबडी। Okay, so now over here, I just want to give one observation to the students. I just consider an example. I have z 6x. क्या ये integral domain होगा? First of all, क्या ये एक integral domain होगा? No, it won't be an integral domain. ओके, नाउ इसके अंदर एक बढ़िया अच्छी चीज मुझे बतानी है, जो साबिया ने पॉइंट आउट किया था ना, उस एग्जांपल को मैं यहां पे कंसीडर करना चाहूंगा। कैन आई से दिस टू बार एक्स स्क्वायर प्लस वन बार प्लस थ्री, अच्छा और मैं दूसरा पॉलिनोमियल लेता हूं थ्री बार एक्स प्लस सपोज आई से वन बार अगेन, अगर मैंने इन दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया, सपोज दिस इज माय एफ ऑफ एक्स एंड द सेकंड पॉलिनोमियल इज माय जी ऑफ एक्स, अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स, आंसर वाला पॉलिनोमियल क्या होगा वो बता दो मुझे। व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम? Okay, so it is 8, this and 1, 2, and it is 2 bar x square, na? Yes, it is 2 bar x square. Ye ho jayega 6, ye ho jayega 2, phir ye ho jayega 3 bar x plus 1 bar. Ye hoga na, sabya? Dekhenge har koi ek bar. मल्टीप्लाई कीजिए, है ना? इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, यहां पे जो फर्स्ट टर्म होगा ना आफ्टर मल्टीप्लाई, दैट वुड बी 6 बार एक्स क्यूब, बट वो जो 6 बार एक्स क्यूब है दैट इज नथिंग बट 0, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, है ना, बिकॉज मॉड 6 में काम कर रहा है। सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, व्हाट आई ऑब्जर्व हियर, बहुत ही बढ़िया सी चीज आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे, योर डिग्री ऑफ एफ इज 2, your degree of g is 1 and your degree of f into g is also 2, which is less than degree of f plus degree of g. अगर आप देखोगे ऊपर वाला जो proof था वहां पर ना multiply करने के बाद degree आता था m plus n, ऐसा क्यों हुआ? Because मेरा d एक integral domain था, since d was an integral domain, after multiplying degree of the polynomial is nothing but sum of the degree of the individual polynomial. लेकिन अगर आपका जो रिंग है या फिर कहो डोमेन है, यानी कि कोएफिशिएंट जहां से ला रहे हो, अगर वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है then that might not be 2. यानी कि normally if my d is an integral domain then we learn that my d of x is an integral domain and then अगर आपके पास दो polynomial का product है तो उसका degree is same as degree of f plus degree of g, but if my d is not an integral domain then my degree of f into g may be less than or it may be equal to the degree of f plus degree of g.
So this is a wonderful observation that is true inside R of x when R is not an integral domain. ठीक है, तो बहुत बार ऐसे situations के ऊपर questions भी पूछे जाते हैं, but ये concept भी बहुत बढ़िया है. सबको समझा ये जो मैंने result लिखा आपके सामने? This result is really important. किस तरीके से लिखा गया उस रिजल्ट को, कि अगर इंटीग्रल डोमेन है तो दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करने पे डिग्री सेम है सम ऑफ द डिग्री ऑफ इंडिविजुअल पॉलिनोमियल, लेकिन अगर वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉलिनोमियल मिलता है उसका डिग्री कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ एफ एंड सम विद डिग्री ऑफ जी. Everybody, समझा ये रिजल्ट क्या है? बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट है और बहुत डीप बात करता है. देखो, जब हम लोग इनिशियल स्कूल स्टेज पे या फिर डिग्री कॉलेज या फिर इससे पहले जब पढ़ते थे ना, तब हम लोग बहुत ज्यादा जनरलाइज नहीं करते. जैसे आप बीएससी में आ गए, टीवाई बीएससी में, एमएससी में जाओगे, तो वी विल सी एवरीथिंग दैट यू हैव लर्न इन मोर एंड मोर एंड मोर जनरल वेज. So, अब हम लोग इतने बड़े हो गए कि हम लोग ये भी बोलने लगे हैं कि पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया पॉलिनोमियल मिलता है वो शायद पहले वाले पॉलिनोमियल से छोटा हो सकता है या फिर उसको इक्वल भी हो सकता है. जैसे कि यहां पर भी हुआ कि डिग्री टू का पॉलिनोमियल डिग्री वन का पॉलिनोमियल, फिर भी मल्टीप्लाई करने के बाद डिग्री टू का ही पॉलिनोमियल मिला. ठीक है, सो नाउ वी जस्ट गो अहेड विद द टॉपिक. एक बहुत ही बढ़िया सा थियरम है, लेकिन उसका प्रूफ आज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ टाइम. थोड़ा बड़ा सा है, मैं उसका प्रूफ लिखूंगा और उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी सी कोरोलरी है उसके बारे में बात करें. और आप कहोगे कि जो मैं रिजल्ट लिखने वाला हूं ना, वो रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है. वो रिजल्ट बहुत ही बड़ा सा रिजल्ट है जिसका नाम लिखने पर आपको उसका स्टेटमेंट भी पता चल जाएगा. द नेम ऑफ द रिजल्ट इज फॉर एफ ऑफ एक्स. यहां पे चीज का ध्यान रखेंगे, हम लोग जो डिवीजन एल्गोरिज्म पढ़ते हैं वहां पे ये जो f होता है वो फील्ड होता है. हम लोग रिंग के लिए डिवीजन एल्गोरिज्म को नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसका प्रूफ करूंगा, लेकिन आज मैं इसका स्टेटमेंट देना चाहूंगा. सो द स्टेटमेंट इज लेट f बी अ फील्ड एंड let f of x and g of x be any two polynomial inside f of x with this polynomial g of x is a non-zero polynomial, then division algorithm, there exists a quotient. Unique polynomials q of x and r of x in my f of x such that my f of x can be written as polynomial jisse divide kiya time quotient polynomial plus the remainder polynomial, where this remainder polynomial could be either identically zero, agar wo divisible hoga to identically zero ho jayega, otherwise the degree of this remainder would be less than the degree of the divisor yani ki g. So ye ho gaya hamara division algorithm jo aap already pata tha wahi hai, lekin yahan pe ek important si cheez note karenge ki yahan par f field hota hai aur iska jo proof hai bahut easy sa proof hai. It is done by induction. अगर आप कर सकते हो तो well and good. Otherwise, मेरा जबी भी next class होगा, हम लोग इसका proof देखने वाले हैं. ठीक है? But आज मैं इसकी corollaries के proof के साथ जाने वाला है. So we'll do corollary number one on this statement. मैं उस statement को बार बार नहीं दिखाऊंगा because बहुत ही standard सा statement है. Division algorithm क्या कहता है कि अगर आपके पास दो polynomial है, one is non-zero polynomial, divide करने के बाद there exists unique polynomials q of x and r of x such that q of x g of x plus r of x hota hai f of x, where this remainder polynomial is either identically zero or uska degree is less than g ka degree. But corollary prove kar sakte hum log bahut easily aur fast, us result ko use kar sakte.
तो हम लोग सबसे पहले करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये भी ऑलरेडी आप स्कूल में कर चुके हो, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हम लोग एफ ऑफ एक्स के ऊपर करेंगे, ठीक है। सो द स्टेटमेंट इज लेट एफ बी अ फील्ड एंड माई एफ ऑफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ दिस फील्ड। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि माई एफ ऑफ ए इज द रिमाइंडर इन द डिविजन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस ए। आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स टू थिंक अबाउट द प्रूफ ऑफ दिस, बिकॉज ये स्कूल में भी किया है, तो इसके प्रूफ अगर आप कर पाते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई एम देयर टू हेल्प। थिंक अबाउट द प्रूफ ऑफ दिस, आपको ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए इज नथिंग बट अ रिमाइंडर व्हेन माय एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अगर आप कर पाते हो तो चेक बॉक्स में वाई लिखिए, अगर नहीं कर पाते हो तो एन लिखना, लेकिन आपके पास दो मिनट का टाइम है टू थिंक अबाउट द प्रूफ। यस, प्रूफ हो रहा है कि नहीं इसका? क्या किया देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करता हूं बाय डिवीजन एल्गोरिथम, अगर सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया एक्स माइनस ए से, देन देयर विल एग्जिस्ट यूनिक क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स इनसाइड एफ ऑफ एक्स सच दैट I can write my f of x is same as q of x. किससे डिवाइड किया मैंने? मैंने उसको x minus a से डिवाइड किया, तो it is q of x times x minus a plus the remainder r of x. ठीक है, so ये जो है, अब मुझे क्या देखना है, मुझे f of a के बारे में सोचना। So put x is equal to a. So x is equal to a अगर मैं पुट करता हूं तो आई गेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ऑफ ए ए माइनस ए प्लस आर ऑफ ए। देयरफॉर माय एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ ए। ठीक है, ये इज इट ओके? f of a is a remainder. मुझे बताना है कि my f of a should be same as the entire remainder. यहां तक क्या प्रूव हुआ? यहां पर ये पता चला at x equal to a my r of a is same as f of a. लेकिन मुझे तो वो पूरा का पूरा remainder बताना था. I need to show that my r of x is equal to f of a for all x inside my domain f. जो भी फील्ड के ऊपर काम कर रहा है उसके ऊपर। सो टू प्रूव दिस, सिंस आई नो माय आर ऑफ एक्स कैन आइदर बी जीरो और माय डिग्री ऑफ आर वुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ व्हाट एक्स माइनस ए, दैट इज नथिंग बट वन, दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस ए इन दिस केस, राइट। नाउ अगर मैं कहता हूं
if my x is identically 0, if my f of x is identically 0, then my f of a is also 0 and my f of x is same as my f of a. Nothing to prove actually. Because agar mera rx is identically 0, case 1 is this. Agar wo 0 hai, pura ka pura matlab ki r of a bhi 0 hai. Agar r of a 0 hai, to f of a bhi 0 hai. But ultimately mujhe kya pata chala? Ki my r of x is identically equal to this and it is equal to 0. But in the other case, if my degree of r of x is less than 1, this implies me my degree of r of x must be same as what? Polynomial ka degree kya hoga if it is less than 1 then? What would be the degree of this r of x? It should be 0 because polynomial hai to degree 0 ho sakta hai. Right? This implies me my r of x is a constant polynomial. अगर उसका डिग्री जीरो यानी कि एक कांस्टेंट है, उसके साथ साथ आल्सो आई नो दैट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आर ऑफ ए इज सेम एज एफ ऑफ ए. क्या डज दिस इंप्लाई माय आर ऑफ एक्स वुड बी ऑलवेज सेम एज एफ ऑफ ए बिकॉज वो एक कांस्टेंट है और मुझे पता है